नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में विकास को और रफ्तार देने के लिए योगी सरकार ने 2024-2025 के लिए 7,36,000 करोड़ का बजट पेश किया है। बजट पेश करने के साथ ही सरकार ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश का मेगा बजट प्रभु श्री राम को समर्पित है। सरकार ने बजट में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। इसके लिए अयोध्या, प्रयागराज, काशी और मथुरा के लिए बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने खजाना खोल दिया है। प्रदेश सरकार के बजट में महिला, किसान, युवा, रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया गया है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, धार्मिक नगरी के लिए उत्तर प्रदेश में खजाना यहां पर खुला है। आर्थिक सामाजिक विकास के हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। हमने इस नैरेटिव को सिरे से खारिज कर दिया कि उत्तर प्रदेश एक बीमारू प्रदेश के है। हमने प्रदेश की जनता में, प्रदेश की मेधा में अपार संभावनाओं को देखा और बड़े आत्मविश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास गाथा की रचना की है। हौसले दिल में जब मचलते हैं, आंधियों में चिराग जलते हैं। मान्यवर, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा है कि हमारी नीतियां विशेष रूप से युवा, महिला, किसान व गरीबों के उत्थान को समर्पित हैं। बजट के बाद सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा उसे भी आपको सुनाएंगे। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के बजट को प्रभु श्री राम को समर्पित कर बताया। इस दौरान सीएम योगी ने एक चौपाई भी सुनाई। जो बजट है, जो हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वह बजट प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की उन भावनाओं को समर्पित किया कि यही महा आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। तुलसीदास जी के इन शब्दों में कि बजट की शुरुआत में, बजट के मध्य में और अंत में भी प्रभु श्री राम हैं। यूपी सरकार के बजट को लेकर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश के 90% लोगों को 10% बजट का हिस्सा मिला है। बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि रोजगार के लिए युवा इसराइल जा रहे हैं। क्या इस बजट से महंगाई से राहत मिल रही है या किसानों की आय दोगुनी हो रही है? दूसरे प्रदेश उत्तर प्रदेश से ज्यादा गन्ने की कीमत दे रहे हैं। दिल्ली और लखनऊ वाले मिलकर के बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं। कोई अगर $5 trillion का सपना दिखा रहा है कि उनकी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, उसकी नकल कर करके उत्तर प्रदेश की सरकार, बीजेपी के लोग सपना दिखा रहे हैं कि $1 trillion की इकोनॉमी हो जाएगी। और अगर इतनी बड़ी इकोनॉमी होने जा रही है तो आज भी सड़कों पे गड्ढे क्यों हैं? नाले बन नहीं पाए हैं और हमारी नदियां अभी भी खराब हो रही हैं। नौकरी नहीं, रोजगार नहीं और किसान की आय दोगुनी नहीं। किसान अभी भी आर्थिक संकट से गुजर रहा है, उसकी किसी फसल की कीमत नहीं दे पा रहे हैं। कहने के तो बजट में कई फसलों के नाम लिए उन्होंने, लेकिन कहीं भी सरकारी खरीद और एमएसपी की बात को लेकर के सरकार चुप है। तो जिस सरकार में और जिस डबल इंजन की सरकार में किसान दुखी हो और नौजवान के हाथ में नौकरी ना हो, और कमाल तो तब है जब सबसे बड़ा बजट बोल रहे हो, 7,00,000 करोड़ या 8,00,000 करोड़ तक बजट पहुंचने जा रहा है और उस समय नौकरी रोजगार नहीं है हाथ में, बच्चों को लाइन में लगना पड़ रहा है और एक भी जगह नौकरी की बात नहीं है, लगातार रोजगार की बात सरकार कर रही है। तो क्या इसराइल में जो बच्चे जाएंगे, क्या वो सम्मान का रोजगार होगा? ये केवल बजट 10
शिवपाल यादव ने उत्तर प्रदेश के बजट को निराशाजनक बताया है। शिवपाल यादव ने कहा कि इस बजट से जनता का भला नहीं होगा। पूरा के पूरी देखिए झूठ, और जो अधिकारियों का बनाया हुआ बजट, जनता का कोई भला होने वाला नहीं। धर्मार्थ मार्ग को लेकर बजट जो सामने, सब बजट में देखिए भ्रष्टाचार, इसमें कमाई होगी कुछ अधिकारियों की, कुछ लोगों की, और ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पर इस सरकार में। बजट पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का ट्वीट सामने आया। मायावती ने बजट को बताया चुनावी बजट, जनहित कम चुनावी हित ज्यादा लगता है। बजट पे वादे के मुताबिक पालन जरूरी, वादे पूरे हो गए इसका मूल्यांकन जरूरी है। बजट जनकल्याण का कम लगता है। मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सदन में पेश बजट पार्टी के चुनावी हित का ज्यादा व व्यापक, जनहित एवं जनकल्याण का कम लगता है। सरकार की कई घोषणाएं, वादे और दावे अपनी जगह, किंतु क्या विकास संबंधी सरकार के पिछले सारे वादे पूरे हो गए हैं, इसका भी मूल्यांकन जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष चुनाव लड़ने का हौसला भी खो चुका है, कांग्रेस का पूरा फोकस एक ही परिवार पर रहा है, उससे आगे न वो कुछ सोच सकते हैं और न ही कुछ कर सकते हैं। ने जो संकल्प लिया है उसकी सराहना करता हूं। उनके भाषण के एक एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है कि उन्होंने लंबे अरसे तक वहां रहने का संकल्प ले लिया। देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करपा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। बागपत के लाक्षागृह और मजार विवाद पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। डीजे कोर्ट ने अपने फैसले में हिंदू पक्ष को मालिकाना हक दिया है। 100 बीघा जमीन और मजार पर हिंदू पक्ष को मालिकाना हक मिला है। इस मामले में हिंदू पक्ष की ओर से 10 से ज्यादा लोगों की गवाही हुई। सिविल जज ने मुस्लिम पक्ष के वाद को खारिज कर दिया है। पिछले करीब 50 साल से हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच मुकदमा चल रहा था। ज्ञानवापी एएसआई सर्वे की रिपोर्ट और तहखाने में पूजा शुरू होने के बाद अब एक और सर्वे के लिए याचिका डाली गई है। ज्ञानवापी के बंद तहखानों के सर्वे की मांग के लिए याचिका दायर की गई है। श्रृंगार गौरी मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह ने वाराणसी जिला जज कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में बताया गया है कि ज्ञानवापी में अभी 2 तहखाने बंद पड़े हैं। इनके दरवाजे पत्थरों से बंद हैं, जिनका सर्वे नहीं हो पाया है। इन 2 तहखानों में एएसआई सर्वे से और भी साक्ष्य मिल सकते हैं। कोर्ट इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगी। रिमेनिंग सेलर्स हैं, उनका जो रिमेनिंग तहखाने, उनके भी एएसआई सर्वे कंडक्ट की जाए, क्योंकि जीपीआर से हुआ है, जीपीआर से चीजें पता तो चली कि ये सेलर्स है, लेकिन उसमें वास्तविक स्थिति उसकी क्या है, उसकी साइंटिफिक पोजीशन क्या है, उसलिए उसको जो है वो किया है। प्रयागराज में न्यायमूर्ति अरुण भंसाली ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस की शपथ ली है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जस्टिस अरुण भंसाली ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। चीफ जस्टिस अरुण भंसाली का कार्यकाल 14 अक्टूबर 2029 तक रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस अरुण भंसाली की नियुक्ति की। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर 21 नवंबर को रिटायर हुए थे।
अयोध्या में रामला के लोकार्पण के बाद काशी से श्रीलंका के लिए निकाली गई राम पगयात्रा प्रयागराज पहुंची। यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। 45 दिन की राम पगयात्रा भारत के 10 राज्यों और 200 स्थानों से होते हुए 15,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इंडियन रेलवे ने अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन के पास श्रद्धालुओं के लिए बड़े रैन बसेरे का निर्माण कराया है। इसमें आस्था स्पेशल ट्रेन से आने वाले श्रद्धालुओं को रोके जाने की व्यवस्था की गई है। रेलवे स्टेशन के गेट से कुछ दूर पर होल्डिंग एरिया में रैन बसेरा बनाया गया है। यहां 2,000 से ज्यादा यात्रियों के ठहरने के लिए व्यवस्था की जा रही है। ये रैन बसेरा CCTV से लैस है। यहां ठहरने वाले श्रद्धालुओं को ट्रेनों के आने जाने के बारे में भी जानकारी मिल सकेगी। आने वाला जो ट्रेन रहेगा, जैसे लाएगा आस्था ट्रेन हो गया, स्पेशल ट्रेन है, जो भी राम मंदिर जैसे मेला टाइप का होता है ना, उसमें आस्था ट्रेन स्पेशल ट्रेन कुछ चलाया जाएगा। अंडर जो ट्रेन आएगा उसका, उसमें बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगा, तो उनको आराम मिल सके उसके लिए होल्डिंग एरिया बनाया गया, उनको कोई तकलीफ खाने पीने का नहीं हो, तो इसलिए यहाँ पे ट्रॉली टाइप भी लगाया जाएगा जिसमें खाने पीने का भी मिलेगा। और भी बहुत सी चीजें जैसे कि यहाँ पे मेडिकल वाला फैसिलिटीज है। यहाँ पे अगर किसी को फीवर आ गया या किसी को कुछ बुखार टाइप का कुछ अगर आता है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे दवा भी मिल जाएगा। और किसी का सामान वामान भी रखना है तो उसके लिए सामान वामान भी यहाँ पे रख सकते हैं आराम से। और बाकी एक होल्डिंग एरिया और बनाया जा रहा है, वो थोड़ा सा पास में ही रहेगा उसका, और वहाँ पे लेटने वेटने की व्यवस्था, बैठने की भी अच्छे से व्यवस्था है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से वहाँ पे भी रहेगा। और बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने को लेकर बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम धामी ने ऐलान किया है कि कल यानी कि मंगलवार 6 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल राज्य की विधानसभा में पेश किया जाएगा। सुबह 11 बजे बिल को विधानसभा में पेश किया जाएगा और इस पर विधानसभा में चर्चा होगी। सीएम धामी ने विपक्ष के विधायकों से भी कहा है कि वो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करें, क्योंकि ये बदलाव का कानून है और ये महिलाओं के हक में कानून है। समान नागरिक संहिता UCC जिसकी लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी, प्रदेशवासियों को इसका इंतजार था, और हमारे 1.25 करोड़ केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उत्तराखंड की विधानसभा में ये कब आएगा, कब पारित होगा। तो बहुत जल्दी हमारी सबकी जो प्रतीक्षा है वो समाप्त हो रही है, और कल इसको हम लोग विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे और आगे जो विधेयक के रूप में जो औपचारिकताएं होती हैं, चर्चा होती है, वो सभी चर्चा होगी। मेरा जो हमारे अन्य दलों के भी साथी हैं उन सबसे भी अनुरोध रहेगा, क्योंकि पूरा देश इस समय उत्तराखंड को देख रहा है और एक ये युगांतकारी समय है उत्तराखंड के लिए। पूरी देश की नजर हमारी तरफ है कि ये बिल किस प्रकार से आता है, किस प्रकार की यहाँ चर्चा होती है, सभी लोग सकारात्मक रूप से चर्चा में भाग लें। उत्तर प्रदेश में विकास को और रफ्तार देने के लिए योगी सरकार ने 2024-2025 के लिए 7,36,000 करोड़ का बजट पेश किया है। बजट के बाद सीएम योगी ने क्या कहा, सुनते हैं। सफलता प्राप्त की है, जब 16-17 में प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19.2% से ऊपर था, 19.2% से अधिक था, आज ये घटकर के 2.4% के आसपास है, यानी हम उसको नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त की है। हमने रोजगार के नए अवसर सृजित किए हैं, प्रदेश में औद्योगिक निवेश के नए वातावरण का सृजन किया है, एमएसएमई यूनिट्स को पुनर्जीवित किया है, एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं ने उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय पलक पर एक नई पहचान भी दिलाई है, और उत्तर प्रदेश में
जो बैंकों के साथ ऋण जमा अनुपात सीडी रेशियो जो यूपी का था जो 44% था, आज वह बढ़कर के 57% से अधिक हो चुका है। युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान एक नई योजना हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें अपने प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से एक नई पहल की जा रही है, जिसमें ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उन नए उद्यमियों को प्रदेश के अंदर सरकार उपलब्ध करवाएगी। ये सीमा 5 लाख रुपए तक की ब्याज, यानी 5 लाख रुपए तक की पूंजी पर करने जा रहे हैं, उसमें ब्याज मुक्त ऋण हम उन्हें उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। दूसरा, प्रदेश में रोजगार प्रोत्साहन कोष के गठन की कार्रवाई, जिसमें ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप की स्कीम को वित्त पोषण की कार्रवाई के साथ हम इसके साथ जोड़ेंगे। नोएडा में बदमाशों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने मुठभेड़ में सुंदर भाटी गैंग के सदस्य सुमित भाटी को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में सुमित भाटी घायल हुआ है। सुमित भाटी पर रंगदारी सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। कौशाम्बी में सिपाही को कुचलकर मारने वाले शातिर बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बदमाश के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद की है। गिरफ्तार बदमाश प्रयागराज का रहने वाला है। सरायकी क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है, जिसमें इस घटना में संलिप्त मुख्य अभियुक्त राजेश केसरवानी घायल हुआ है। उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। उसके कब्जे से एक 32 गोज की पिस्टल और कारतूस बरामद हुआ है। मैगजीन बरामद हुई है। इसका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है, पहले भी भेड़ चोरी और बकरा चोरी में जेल गया है। मऊ चित्रकूट से इसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई हुई है। आगरा में सट्टेबाज थाने में पहुंचकर भविष्य में कभी जुआ नहीं खेलने की कसम खा रहे हैं। दरअसल कमिश्नर ने हर पुलिस थाने को निर्देश दिया है कि पिछले 5 साल में जेल गए जुआरी को थाने में बुलाएं और उनसे शपथ कराएं कि वे भविष्य में कभी भी जुआ सट्टा नहीं खेलेंगे। इसी के चलते पुलिस थानों में जुआरियों और सट्टोरियों का मचमा लगा था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पुलिस का मकसद इन लोगों को सुधरने का एक मौका देने का था। जो लोग फिर से पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्त हैं या पुराने जिनका आपराधिक इतिहास है जुआ सट्टा कराने का और इस तरह की गतिविधियों का जो संचालन करते हैं, एक गोपनीय रिपोर्ट लेकर सभी थानों पर प्रेषित की गई थी और सभी थानों के द्वारा कल रविवार दिनांक 4 फरवरी को ऐसे सभी जुए सट्टे में लिप्त अभियुक्तों को थाने पर बुला के उनसे उनका डोजियर बनवाया गया और उनसे एक लिखित प्रमाण पत्र लिया गया कि वो भविष्य में ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं करेंगे। काटते वक्त दो सगे भाई करंट की चपेट में आ गए। एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। हादसा खैरीघाट थाना क्षेत्र के बकौरा गांव में हुआ है। पवन अपने 2 बेटों के साथ छत का सरिया काट रहे थे। राहुल और संदीप ने जैसे ही सरिया खड़ा किया, सरिया हाई वोल्टेज तार की जद में आ गया। आगरा में पति को अपनी पत्नी की लोकप्रियता इस कदर नागवार गुजरी कि दोनों के बीच विवाद होने लगा। नौबत तलाक तक पहुंच गई। पति ने गुरपुलिस से शिकायत की है। परिवार परामर्श केंद्र में 3 बार काउंसलिंग हुई है। महिला है जो कि राजनीति में थोड़ा सा इन्वॉल्व है, राजनीति का ही है, समाज सेवा का ही है, तो उनको समाज सेवा करने का शौक है। जिनकी समाज सेवा से या राजनीति से उनके पति तंग है, क्योंकि वो घर पे समय कम दे पाती है और ज्यादातर उनका होर्डिंग में और कहीं पर भी कोई सामाजिक कार्य होता है,
उसमें वो इन्वॉल्व रहती हैं, जाती हैं, कहीं झंडे वगैरह लगाती हैं, तो उससे घर में वो ठीक से ध्यान नहीं दे पाती, इससे पति कहीं जाता है तो उसको टिफिन नहीं बन पाता या ऑफिस का टिफिन तैयार नहीं होता, तो वो इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया कि आप राजनीति या समाज सेविका जो भी कार्य है उसको छोड़ दीजिए तो हमारा परिवार ठीक से चलेगा। लेकिन वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना यह है कि मुझे इसमें कैरियर बनाना है और मुझे इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, लेकिन पति का कहना है अगर आप इस नहीं छोड़ती हो तो मैं आपको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और नौबत तलाक तक आ गई है, लेकिन हमने दोनों पक्षों को बुलाया और समझाने का बहुत प्रयास किया।